भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप पर रखा जाना है एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन से अंदर अपना लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना है, जिसमें असफल होने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 का के अधीन कार्यवाही दंड की व्यवस्था प्राविधानित है, जिसके देखते हुए समस्त अभ्यर्थी 64 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर एवं 67 बांसगांव अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप व विहित प्रक्रिया के अधीन 21 जून तक अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया कि इस संबंध में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में प्रक्रियात्मक सुगमता के लिए 13 जून को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय फैसिलिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं या एजेंट के माध्यम से समस्त अभ्यर्थी प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, जिसे आयोग के निर्देश के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुगमतापूर्वक लेखा दाखिल हो सके। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय लेखा में इंगित की गई विसंगतियों या कमियों एवं किन्हीं दो में से कम करके बताई गई धनराशि के समाधान के लिए एक अवसर के रूप में 17 जून को पूर्वाहन 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में स्वयं या एजेंट के माध्यम से अभ्यर्थी प्रतिभाग सुनिश्चित करते हुए अपने निर्वाचन व्यय लेखा संबंधी विवादित मदों का लेखा समाधान कराया जाना सुनिश्चित करें।